सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्ते। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है, तो उम्मीद करती हूँ पूरा लास्ट तक देखोगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के व्लॉग में आपको जानने को मिलेगी। जी हाँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी रस्में देखी होंगी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन क्या होता है हर एक जगह की एक अलग रीति रस्म होती है, तो वो आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई दूल्हे राजा डुका पे आ गए थे। ये खास रस्म एकदम से दूल्हे राजा जी को चौंक गए, क्योंकि पीछे से दुल्हन ने चावल फेंके थे। ये खास रस्म होती है, क्यों होती है मैं नहीं जानती, लेकिन होती है, बहुत महत्व रहता है इस रस्म का भी। उसके बाद फिर नीम धराई, उसके बाद रिबन कटाई, और भी बहुत सारी रस्में आज आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने बहुत सारी रस्में आप लोगों के साथ शेयर की है, डांस, चाक पूजा और भी बहुत कुछ। वो आप मेरे पिछले व्लॉग अगर नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर भाई दुल्हन की माँ आ चुकी है जमाई राजाओं का स्वागत करने, नज़र उतारने, और उसके बाद यहाँ पर सालियों ने घेर लिया कि अंदर जाने के लिए तो भैया पैसे लगेंगे। और फिर रिबन कटाने के बाद बारी आती है जो बड़ी साली होती है, वो क्या करती है, आरता, और नाक खींचती है, बटन खोलती है और पैर पे पैर रखती है। तो हर जगह का ना थोड़ा सा अलग अलग रीति रिवाज, थोड़ा फेर बदल हो सकता है। आपके यहाँ ये रीति रिवाज होती है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। तो भाई अब है बहुत ही प्यारी रस्म है, जो कि है वरमाला की। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन जब एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं सिर झुका के बड़े आदर के साथ, तो सभी तालियां बजाते हैं। बहुत ही प्यारी रस्म ये होती है वरमाला की। तो बहुत ही प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल राम सीता राधा कृष्णा जैसी, दोनों की दोनों आप देख सकते हो। देखो दूल्हे राजा की तो नज़र ही नहीं हट रही थी दुल्हन से, और सारे बराती आप लोग देख सकते हैं कितनी खुशी मना रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बहुत ही प्यारी ये रस्म होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक की जो ये रस्म होती है ना, यहाँ तक बाहरोटी तक जो बराती साथ में आते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर जो जितने बराती गांव के लोग आए हुए होते हैं, तो दूल्हे वाले पक्ष वो बाकियों को भेज देते हैं, और जो दूल्हा और उसके परिवार के सदस्य रह जाते हैं फेरों के टाइम पे ढुका पे, ठीक है ना। और यहाँ से फिर वो होता है पर पक्ष का काम। वीडियो बना है। और अब यहाँ पर है फेरे, तो फेरों की तैयारियाँ यहाँ पर हो गई थी, और कमेंट आ रखे थे कि दोनों सगी बहन हैं और क्या सगे भाई हैं क्या दूल्हे। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो दुल्हन है वो दोनों बहन हैं, सगी है, एक माँ जाई है, और दूल्हे भी दोनों सगे भाई हैं, एक माँ जाए हैं। तो दोनों के दो बहनों से दो भाइयों की शादी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत जोड़ी भगवान ने राम मिलाई जोड़ी जो बोलते हैं वो है। तो आप देख सकते हैं, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये रस्म है जो मामा जी, जो लड़की के मामा हैं, ब्राइड के मामा, वो लेके आते हैं दुल्हन को फेरों पे, ठीक है। और ये भी रस्म होती है, खास रस्म होती है। और जब तेल उतरता है ना, तब भी मामा ही उतारते पाटड़ों से, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, है ना। तो दोनों के एक जगह फेरे थे, लेकिन उसमें भी फेरों के टाइम भी ना आपको कुछ एक नई बात जानने को मिलेगी, जो मेरे लिए तो भाई सच में नई थी। आप बताना आप लोगों के लिए नई थी या नहीं थी। तो जैसे दो दुल्हन हैं एक ही घर में फेरे हो रहे हैं, मतलब पास पास में, तो यहाँ पर ये देखिए आप, दोनों अलग अलग जगह बिठा रखे हैं। और पता है कईयों का आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, हमने देखा कि दोनों का एक ही मंडप में शादी करवा देते, तो ऐसा नहीं होता। वो चीज़ यहाँ बिल्कुल हमारे जो रिचुअल होते हैं संस्कृति के अनुसार, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग आप देख सकते हैं। और जो फेरे हो रहे हैं ना दोनों के, तो ब्राइड को ऐसे सुनने में आया कि भाई एक ये जो एक दूसरे के फेरे देखने नहीं चाहिए, है ना। ऐसा आप बताना, ऐसा ही होता है या फिर मतलब मेरा अंदाजा गलत है? क्योंकि भैया जो दोनों के फेरे हो रखे थे ना, हो ही थे ना,
तो दोनों के बीच में ये चद्दर पर्दा कर दिया था ताकि एक दूसरे के फेरे ना देख सके, है ना। मैंने हर एक चीज को कैप्चर किया, इतना तो नहीं इनके वीडियोग्राफर वाले ने भी नहीं किया होगा। मैंने हर एक मोमेंट को कैप्चर किया है क्योंकि भैया ये बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है ना। तो यहाँ पर पंडित जी बहुत सारी बातें भी बताएंगे आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा प्लीज। हाँ तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत ही खास रस्म होती है जो फेरों के टाइम पे दुल्हन को चुंदड़ी उड़ाई जाती है, जो कि वर पक्ष की तरफ से नंदोइया उड़ाता भी, ठीक है। ननंद का जो हस्बैंड होता है वो उनकी रस्म होती है, फिर लड़की वाले उसको मान सम्मान के तौर पे वो देते हैं, मान मतलब पैसे देते हैं। और ये भी रिवाज होती है, रस्म होती है एक प्रकार की हमारी शादियों में, जो हरियाणवी संस्कृति के अनुसार जो शादियाँ होती है। अच्छा कमेंट करके ये बताना आप कौन सी शादी हमारी यहाँ होती है, क्योंकि शादी के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे लोगों से कर रही हूँ, तो ज़रूर बताना मुझे। और इस शादी में ना आपको आगे और भी काफ़ी बातें जानने को मिलेंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक तो ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि हर एक बात को रिकॉर्ड करना चाह, जो जितनी बातें पंडित जी ने बताई थी वो बातें भी, लेकिन क्या होता है ना लेडीज साथ साथ गीत गा रही होती हैं तो उस टाइम पे नहीं रिकॉर्ड हो पाता है हर एक। तो फेरों के टाइम पे खेल भी खेलते हैं भाई, तो जो पीछे भाई खड़ा होता है और वो छाज में या बिजने पे, बिजना समझते हो ना, अरे हरियाणा वाले हो गए तुम सारे जो वीडियो देखा। अच्छा ये पहले मैंने यूँ बताओ आप लोग कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो भैया हमारे हरियाणा में जो शादी होती है उसमें तो भई ये रिवाज होती है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी जो रीति रिवाज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जितनी खुशी मुझे हो रही है शेयर करते टाइम, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को भी देखने में उतना ही मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ पर यही फेरे हो रहे हैं, और दूसरी साइड में नहीं गई थी क्योंकि भाई मुझे यहाँ शिक्षा पढ़नी थी, तो मैं यहीं पे देख रही थी, तो उस टाइम मैं वो सेकंड पर्दे के उस तरफ जो कुछ हो रहा था वो मैं नहीं देख पाई सुन पाई, क्योंकि भाई वो पंडित अलग करवा रहे थे, मतलब रहता तो सेम ही सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई हर एक पंडित की थोड़ी सी बातें अलग हो सकती है ना। तो यहाँ पर फेरे शुरू हो गए हैं, केशव खेलना बखेरा करते भी। बहुत सारी मैरिड बहन हैं जो
अब मेरी वीडियो देख रही होंगी और बहुत सारी जो अनमैरिड उन्होंने भी बहुत सारी शादियाँ देखी होंगी, है ना। लेकिन ये जो सवाल मैं करने वाली हूँ ना, मुझे पता है 99% लेडीज़ को नहीं पता होगा, या कि मतलब आप जवाब दे ही नहीं सकते कि आप बताइए मुझे शादी में कितने फेरे होते हैं और कितने वचन होते हैं। अगर आपको पता है ना तो जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई फेरे हो रहे हैं, आप गिन भी सकते हो, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भैया, फेरे होते हैं हमारी जो रीति रिवाज के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार जो हमारी शादियाँ होती हैं उनमें 4 फेरे होते हैं। वो नहीं है फिल्मी तरीका के साथ तो फेरे होंगे लेके हाथों में हाथ, तो वो कहने की बात, अभी वचन भी साथ नहीं होते, ठीक है। फेरे होते 4, जिसमें 3 फेरों में लड़की आगे रहेगी और चौथे फेरे में लड़का आगे होएगा, लड़की पीछे चलेगी, ठीक है। और जो वचन भराए जाते फेरों पे, जिन पे कहते हैं कि भाई वचना में बांध के ले आए थे और जिन वचनों का पालन करें भी हैं और मतलब हम निभा भी रहे हैं, तो वचन होते हैं भाई 11। जी हाँ, जिनमें से 7 वचन तो लड़की लेती है और 4 वचन लड़का लेता है दुल्हन से, ठीक है। तो कौन से वचन लड़का लेता है और कौन से वचन लड़की लड़के से लेती है वो आप लोग मुझे बता दो, और किन किन को इन बातों का पता था ऑनेस्टली बताना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बातें सुन के कॉमेंट कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता था तो भी बताना, नहीं पता था और मेरे द्वारा आपको पता लगी ये बातें तो भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ नया जानने को मिला है ना आपको, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे, हाँ। सासुने कना भारी तगड़ी लया कना अग ओ तू सुन सुन मासा क्यों न लाया किसका तो भाई यहाँ पर पंडित जी ने पूरे वचन भरवाए थे, पूरे हाँ भरवा भरवा के ना। और ये रस्म है एक, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जगह बदलते हैं तो एक दूसरे की पीठ नहीं देखनी होती है ना, तो सीधे एक दूसरे को देखते हुए घूमना होता है, फेरों पे बैठना होता है। तो ये देखिए इस साइड आ गई है, मतलब लेफ्ट साइड दुल्हन आ गई है, राइट साइड दूल्हा। और इसी टाइम पे जो दूल्हे की मतलब दुल्हन की जो बुआ होती है वो गोड्डा असली गाल है भाई, तो जैसे मंगलसूत्र को पहना देते माला वगैरह को गोड्डी में और फिर नेग लिया करें इन पे दूल्हे पक्ष पे, तो ये भी एक रस्म होती है, बहुत ही प्यारी है। मतलब बहुत ही सारी रस्में आप लोगों ने देखी है, फिर मांग भराई और बहुत ही फिर मतलब प्यारी प्यारी रस्में, सारी शादी की प्यारी रस्में होती हैं खैर, और बहुत ही अच्छी लगती है ना। तो किन किन की किन किन को भाई अपनी शादी का टाइम याद आ गया ये भी बता दो, अब तो लगे हाथों। महालक्ष्मी नमस्ते नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु।
चंद खेले और खेले गुलदस्ते। शुभ शिक्षा पढ़ने से पहले आप सभी को मेरी नमस्ते। आए हो हमारे द्वार पर मांगने मेरी बहना का हाथ, जीवन भर खुशियाँ देना और निभाना इनका साथ। पिता ने प्यारी बहना एक काम महान किया, कन्या का विवाह रचाकर 100 गुणों का दान किया। सुन मेरी बहना, मान ले मेरा इतना सा कहना, माथे पर ताक ना लगा देना, बहू है ससुराल का गहना। उनके कड़वी बोलों को रसपान समझकर पी लेना, दिन तरह तरह के आएंगे तुम हंसी खुशी से जी लेना। मोह लेना तुम सबका मन अपने कोमल होठों से, कड़वी सवरना निकले तेरे कोमल होठों से। काबुल के महलों की मैना आज उड़ारी मार चली, डोल गया दिल देख के डोली, सुना कर घर परिवार चली। बाबुल का घर छोड़ कर बहना सजना के घर जाना है, बहन तुम्हें इस संसार में एक नया घर बसाना है। गृह लक्ष्मी इसे जानकर सदा सुख देते रहना, अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो प्यार से समझा देना। मत देखना बहना मुड़ मुड़ के, ये घर तुम पराया है, देख सामने पिया तुझे सज धज के लेने आया है। ऐ सहरे वाले जीजू सुन ले मेरी पुकार। नहीं, इसके व्लॉग में आ जाएगी यूट्यूब पे, इसके खुद के व्लॉग में आ जाएगी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आ जाएगी। लड़की को विदा होते देखकर माता पिता रो रो कर आंसू बहाते हैं, फिर मन में धीरज धर बेटी को यूं समझाते हैं, छोड़ चली तू बेटी हमको होकर आज पराई, सुन संदेशा मात पिता का होगी तेरी भलाई। गलती से भी नहीं छोड़ना धर्म कर्म का साथ, कभी साधु सन्यासी ना जाए तेरे आंगन से खाली हाथ। कभी सास ससुर की गोद खेलना बनकर चिड़िया सोने की, दुनिया बड़ी भयंकर बेटी बात करे घर खोने की। मत करना महसूस कभी अगर डांट दे सास कभी, हसमुख रहना सब कुछ सहना, इस परिवार की बगिया में कांटे और कहीं फूल पड़े, सोच समझ कर कदम उठाना, गलती खा गए बड़े बड़े। माँ पिता ने पाल पोस कर जो गुण गृहस्थी में सिखा दिए, होगा नाम हमारा ए बेटी यदि उन पर चलकर दिखा दिए। नंदी है बहन जैसी देवर माँ जाए है, बड़े मान सम्मान से तुझको लेने आए हैं। शादी गृहस्थी का जाल है जीजाजी, जिम्मेदारियाँ आपको कसाएंगी, किस भाव से बिकती है दाल चीनी ये आपको बताएंगी। श्रीमती जी का होगा हुकुम, दिन रात नचाएंगी, फिल्मी गाने तो बहुत गा लिए, अब दोहे कबीर के गवाएंगी। शिक्षा की इन कड़ियों को आपने ध्यान से सुन लिया, हमारे बगीचे का फूल आप सबने चुन लिया। एक कामना ईश्वर से करती हूँ, ये गुल सदा आबाद रहे, बने रहे तुम्हारी जोड़ी जब तक धरती आकाश रहे। गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है, हमने तो शिक्षा पढ़ ली, अब आपकी बारी है। तो भाई मैं शिक्षा पढ़ के इबाई हूँ, मेरे तो नहीं 700 और 600 कितने होंगे, 1300 रुपये बन गए शिक्षा के, फिर 600 दिए बाद में, बोले कि 1100 इन्ना ने कर दिए, 100 मामा ने दिए, 100 दूसरे मामा ने दिए। तो फिर जुग जुग जियो सदा सुखी रहो। सारी जाओ सारी, बड़ा अगली गल करने के देखो भाई इनका। हां जी, बस सामने देखना जी, मौसी दीपक मामा चश्मा उतार दो ऊपर तक, ममता मौसी का भाई आगे सामने देखना जी, एक बार देखना।
बिस्तर लाडो बताई तेरी फीलिंग मने तो फीलिंग बता दे तेरी छाड़ दे सिर और है भी है भी दिल लगने की गड़ी मेरा नाम है बुआ मम का तो छोरा छोटा लोये ना लोये नी लोये ओ बोल रहा थे आ ए गलत ना ए मीनाक्षी देख तो हां देखो भाई मारी लाडो रानी आज दुल्हन तो बन गई है आप बताना कैसी लग रही है वो देख थप्पे लगे और किरा डाले ने भी ले लिया मखा ये जीन डाले किरा डाले बोल तो जीजा ने कहा स्पेशल वीडियो बनाओ मैं तेरी सारी वीडियो देखा करो है जीजा सारी देखो है बता दियो हाँ मेरी बेटी के साथ देखो ये इसके साथ बना दिए ठीक है जी मेरे पास दो बात करा भाई मार मान दान और लाइव जी सारे नहीं छोड़ यार मान दे बता मेरे पास दस दस रुपए पड़ा है घर की बात है बेटी कोई बात नहीं एक तो बिजनेस दे दिए घर की बात है जी कोई नहीं माँ बेटी है किसने बांटा जी हाँ ये तो है चुचकार लियो और तंदरी हम दनी ओढ़ लागे मैं तो सही पेपर सही ले रही हूँ इस पे डाले नहीं तो पूजन मेरे मैंने एक बार और ब्राइडला का वो दिखा दियो मंगलसूत्र का डिजाइन देखो अच्छे से सेम है नहीं दोनों का तो ना उसका अलग है दिखाई हट आइए एक बार आओ बेटा हमने सिलेक्ट करा था क्या अपना अपना पसंद का की ना उनकी खुद की पसंद उनके पसंद का है एक कोई भी हमारी कोई भी लोग पसंद होंगे अंकित ने तो देख लिया है हमारी खाना खाने जा तो अभी रात का टाइम हो रहा था लगभग 10:30 का और हमने सोची विदाई तो पहले एक बार खाना और खाया वहाँ घिटी तरह तार लिया तो टेंट में आ गए थे घर परिवार के जितने भी थे हम खाऊंगी तो ये भाई देखो आजकल का मॉडर्न जमाने की इन्नू नहीं ब्राइड ब्राइड बदल रही है उनकी माँ बुआ चाची ताई सारी बदल रही है पहले टाइम मनु आया करता आके जो ब्राइडल की चाची ताई है बुआ मौसी है मेरी सारी विदाई पे मतलब उनका दिल भराया करता भाई खाना और आजकल तो पहले खाना खा का आवे भाई आसूस तो फेटा सवा लेंगे तो यार जुआरी होने लग रही थी आराम आई जब तो सारे बटेऊ जितने भी हैं वो सारे बिठा दिए जा हैं एक लाइन में और फिर इनकी सारे की जुआरी होवे है गोले दे वह है जिसे पास दिया करे तो छह बटेऊ थे भाई मारे ये छह की जुआरी होगी जितनी भी मौसी थी मेरी मामी थी सब ने जुआरी करी मतलब जितनी भी आई थी आई होवे है तो ये भी एक रस्म होवे या भी एक रिवाज होवे है जुआरी जुआरी आती है भैया जुआरी और विदा हो रही है रुक जाओ ये नहीं पिक तो आ रहा रख लें तो पूरे रहा पूरे पड़े बाप लड़के जो मम्मा था भाई देखिए मीनाक्षी बराबर
थापे लावी औलाद पूछे नहीं ललनु बना लो सारे फिर लगे मुंह भी दस दिया पीछे देने भूल गई मम्मी हाथ दूर आके बैठे ले गाड़ी में कौन है ना 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 तो मैंने एक तो क्या कर दिया छोरी आगे है इधर आ जाए बता दी मैं भी देख लियो ब्लॉग के नाम भी बीच पार्टी अच्छा मेरा आगे और आने जाओगे ना फिर ना 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 रे छोटा ना ना रो मारो तो मेरे ना 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 चोर ली विदाई कर दी हाँ सब पे तू पे लगा दिए रोवेगा पाय ये तो रोवे रोवे है ना क्या करें मुसी विदाई करते हैं अच्छा तो भैया भी रसम है चाची तो ये रोवे है नाचे भी है तो रसम है साढ़े बारह और ये बम सोन की तैयारी कर रहे हैं तो सोचा व्लॉग की एंड कर दूं क्योंकि मैं हर बार मोस्टली भूल ही जाती हूँ एंड करना तो बस आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आपने ये पूरा व्लॉग एंजॉय किया होगा हमने शादी की जितने भी रस्में थी वो सब आपको दिखाई हैं बान तेले सब कुछ मतलब ना समझ लो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और आप लोगों को भी कराया है ठीक है तो आप प्लीज़ वीडियो को ना लाइक कमेंट और शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू चल 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 चल